एक गरीब विधवा आई और उसने दो तांबे के सिक्के डाले। सबको जय मसीह की, हालेलुया। मेरे देशवासियों और मेरे भाई बहनों, जहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आज मैं उस विषय के बारे में बात करना चाह रहा हूँ जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री वो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के लिए स्पीच दे रहे हैं, और वो स्पीच सुन के हमारा दिल भर आता है क्योंकि पूरी दुनिया उन्हें सुनती है। तो इस वीडियो को देखें और जो सच इन्होंने बोला है उस पर निर्भरता लाएँ और प्रभु के करीब आए। तो वीडियो को देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना। सेवा की है, बल्कि गरीबों के द्वारा की गई सेवा की भी सराहना की है, और यही तो असली एम्पावरमेंट है। इससे जुड़ी एक कहानी भी बहुत प्रचलित है। उस कहानी में बताया गया है कि जीसस एक टेंपल ट्रेजरी के पास खड़े थे। कई अमीर लोग आए, ढेर सारे दान दिए। उसके बाद एक गरीब विधवा आई और उसने दो तांबे के सिक्के डाले। एक तरह से देखा जाए दो तांबे के सिक्के कुछ मायना नहीं रखते। वहां खड़े भक्तों के मन में कुतूहल होना बड़ा स्वाभाविक था। तब जीसस ने कहा कि उस विधवा महिला ने सबसे ज्यादा दान किया है, क्योंकि आज पूरा विश्व क्रिसमस का पर्व मना रहा है। भगवान यीशु का प्रेम और करुणा का संदेश, मानव जात के कल्याण का एक उत्तम से उत्तम मार्ग है। विश्व भर में क्रिसमस के इस पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो धन्य है वो पुरुष जो सत्य के लिए दुख उठाता है, धन्य है वो भाई जो मेल मिलाप कराता है, और धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर का काम करता है। मेरे भाई बहनों, आज हमारे देश के वरिष्ठ प्रधानमंत्री, उन्होंने सरेआम दृष्टांत के बारे में और दशमांश के बारे में हमें ये सीख दिए कि हमें अपने जीवन से वो उत्तम दान देना चाहिए जो दान हमारे लिए प्रभु ने रखा है। हम वो दान दें जिससे परमेश्वर की महिमा हो। हम अपने ज़्यादा में से ना दें, हम हमारे थोड़े में ही वो निकालें जो सच्चाई का हो। मेरे भाई बहनों, तो ये दृष्टांत को हम समझें और हम बाइबल से भी पढ़ें, और जो बात इन्होंने बोली है वो सत्य है, परंतु हम अभी भी परमेश्वर पे ही विश्वास करें, क्योंकि मनुष्य अपने कामों के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए हर एक चीज़ का उपयोग करता है। हमें परमेश्वर के वचन को थामे रखना है और हमें सब मिलकर बातों की भलाई प्रकट होने को देखते रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जो लोग उनके खिलाफ आएंगे, जो लोग हमारे खिलाफ आएंगे, जो लोग हमें सताएंगे, वही परमेश्वर के एक दिन काम करते दिख लेंगे, क्योंकि वही काम प्रभु करता है। जो परमेश्वर को परखता है, परमेश्वर उसे बराबर अपनी उपस्थिति देता है। मेरे भाई बहनों, तो आज हम इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में प्रभु को मानते हैं। हम किसी के धर्म के मज़हब को नहीं, और ना ही हम किसी नीति और नेता को लेकर आ रहे हैं। हम सिर्फ परमेश्वर के वचन को लाना चाहते हैं, जो कि आज उन्हें सरेआम स्पीच करी है, तो वह आज हमारा सपोर्ट करे ना करे, परंतु परमेश्वर ने उनके अंदर ये बात डाली है। तो परमेश्वर बहुत जल्दी हमारे लिए न्याय भी करेगा और एक सज्जड़ कानून, एक सशक्त कानून हमारे लिए लेके आएगा, जिसके द्वारा हम प्रभु को और प्रभु के जन को और दुखियों को प्रभु से मिला पाएंगे। सबको जय मसीह की, मदद करते रहे, सहायता करते रहे और एक दूसरे से प्यार करें। All of you, James.